हेलो स्टूडेंट्स, तो बड़ी खबर निकल के आ रही है यार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से उसका जो फॉर्म प्रॉब्लम था, तो वहाँ पे उस फॉर्म को कैंसिल कर दिया गया है और अलग से जो है दूसरे फॉर्म क्रिएट कर दिए हैं फैकल्टी आईटी इनेबल सर्विसेज के द्वारा। तो इन लोगों ने दो ऑप्शन दिए हैं अभी यहाँ पे, ओपन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए। ओके, बहुत सारे बच्चों की इक्वायरी आ रही थी, भैया जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है क्या उसको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। और एक वो बच्चे जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए। ओके, तो देख लेते हैं नए बच्चों को क्या करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर से लाइन घूम रही है। ओके स्टूडेंट, तो ये एक फॉर्म खुला है, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की एक गाइडलाइन है कि अगर आपने अपने आप को पहले रजिस्टर कर रखा है तो आपको फिर से अपने पैसे देने की जरूरत तो नहीं है, और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको 300 रुपए फिर से देने पड़ेंगे। ओके, ये इसकी गाइडलाइन है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जिन बच्चों ने पहले कोर्स सेलेक्ट नहीं कर रखा था, आप जो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका भी पैसा तो देना पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने पहले बीटेक ही सेलेक्ट कर रखा था, अब उसको एलएलएम भी चाहिए, एलएलएम उसने पहले सेलेक्ट नहीं कर रखा था, तो उसको एक्स्ट्रा 300 रुपए पे करने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो ये वाला सीन है यार, इसको आप सिंपली फिल कर सकते हो। जो भी मेरे क्लाइंट्स है यार, सभी फॉर्म फिल करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सभी के फॉर्म फिल करूंगा। ओके, तो इतने ज्यादा बच्चे रजिस्टर्ड है कि इसके लिए मेरे को कम से कम 20-30 दिन चाहिए, ठीक है। तो वो पॉसिबल है नहीं। ओके, तो सभी बच्चे अपना अपना फॉर्म फिलिंग खुद ही करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से स्कोर डाल देंगे, एप्लीकेशन आईडी CUCT के जो एडमिट कार्ड पे दी गई है। ओके, CUCT का रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। ओके, देन उसके बाद ईमेल आईडी और नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर। ओके ठीक है। प्रेफरेंस कैसे चूज करनी है, जैसे मैंने बीटेक चूज कर लिया, देन उसके बाद यस नो फॉर्म डालना आपको। अगर आपने कोई फॉर्म नहीं डालते हो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे नो करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको इतने पैसे पे करने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो जस्ट स्टूडेंट, तो मैंने अपने डिटेल्स फिल कर दिए, देन उसके बाद में यहाँ पे जो है नो किया मैंने, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। ओके, तो देन उसके बाद में रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है। अगर ये डिटेल्स फेच कर लेता है तो ठीक है। तो यार ये जो बोल रहा है कि आपने अगर रजिस्टर नहीं कर रखा है अपने आपको, तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे 300 रुपए, ठीक है। तो जस्ट आप यहाँ से पे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन बच्चों के पास इंटरनेट बैंकिंग है वो पहले इंटरनेट बैंकिंग का ही यूज करें। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो आप जस्ट कोई अदर यूज कर सकते हैं मेथड, ठीक है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, उससे पहले आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यार पेटीएम वगैरह से बच्चों के पेमेंट बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। और अगर आपका पेमेंट फेल होता है तो उसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जिम्मेदार नहीं है। जिस भी बच्चे का पेमेंट फेल होता है तो यार ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपका 300 रुपये चला जाएगा। आपका 300 रुपये 3 to 5 working days के अंदर रिफंड कर दिया जाता है, जो कि पेमेंट गेटवे के पास रहता है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अगर आपका पेमेंट बाई चांस अगर फेल भी हो जाता है, अगर आपका 2 बार भी फेल होता है तो आप फिर से पेमेंट करें, 3 बार भी फेल हो जाता है तो आप फिर से पेमेंट करें। ऐसा नहीं है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बोल दें कि भैया मैंने पेमेंट किया था, पैसा कट गया, यहाँ पे जो है दिखा नहीं रहा है, तो वो कोई इश्यू नहीं चलेगा। यहाँ पे बस हो जाना चाहिए कन्फर्म। इसके लिए आपको 100 बार पेमेंट करना पड़े या 10,000 बार पेमेंट करना पड़े, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस बार मैंने क्या किया कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ यहाँ पे पोर्टल पे, तो मैंने अपने फॉर्म नंबर वगैरह डाल दिया। अब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ओके, तो यार जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, वो सिंपली ऐसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस यही सिंपल प्रोसेस है। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, बहुत सारे बच्चों को ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 फॉर्म दिए गए, न्यू यूजर्स, और ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही है, वैसे ही ओपन हो नहीं रहा, ठीक है। जो न्यू यूजर है वो भी यही फॉर्म ऊपर वाला 1 नंबर पे जो लिंक दिया गया है उससे रजिस्टर कर सकते हैं, और जो पुराने यूजर है वो भी इसे यूजर रजिस्टर कर सकते हैं। दोनों के लिए एक ही ऑप्शन है,
ठीक है स्टूडेंट, वैसे ये देख सकते हो ओपन नहीं हो रहा नीचे वाली लिंक, ठीक है, तो ये गलती से क्रिएट हो गया यार, गलतियों पे गलतियां, गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो मैंने सुबह एक वीडियो भी डाला था रिगार्डिंग इसके, तो आप उसको मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो और आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हो मेल पे कि सर प्लीज पोस्टपोन योर डेट, ठीक है, 1 बजे तक था, तो जस्ट इन लोगों की गलती है। वैसे 10 बजे क्या 9 बज के कुछ मिनट में इन लोगों ने ओपन किया, तो थोड़ा तो पोस्टपोन करना चाहिए कम से कम 1 दिन के लिए, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कर सकते हो, जब तक आप मेल नहीं डालोगे तब तक कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके अंदर मैंने साफ साफ बताया है कि गवर्नमेंट कॉलेजों की क्या हाल है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू सो मच।